everyone, my name is Pooja. Hope you all are doing good. And in today's video, I am going to do my facial with Nature Essence facial kit. As Nature Essence is an Indian cosmetics brand and they make skincare products like face wash, bleaches and facial kits. And recently I got my hand on their 5 facial kit, jisme se hai gold facial kit, diamond facial kit, whitening pearl facial kit, फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट, जेंटल फ्रूट फेशियल किट, जिसमें से मैं आज आप लोगों के साथ एक गोल्ड फेशियल किट से फेशियल करके दिखाऊंगी. बिकॉज आई लाइक्स गोल्ड फेशियल और मैंने अपनी शादी में भी गोल्ड फेशियल ही कराया था. बिकॉज मुझे विंटर्स में ना गोल्ड फेशियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और जैसे कि वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है एंड स्पेशली ब्राइड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फेशियल, जिसमें से ब्राइड्स को ना 3 सेटिंग्स तो लेनी ही पड़ती हैं पार्लर जाके फेशियल्स की. और कई बार वो फेशियल जो है ना वो महंगे भी पड़ जाते हैं. तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर पार्लर जाके फेशियल कराना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होता है. एंड दीज किट्स आर फॉर यू गाइस. दीज फेशियल किट्स आर वेरी अफोर्डेबल, जस्ट 260 रुपीज इनकी एमआरपी है. एक फेशियल किट जो है वो आपको 260 रुपीज में मिल जाएगी. लाइक अगर मैं ये गोल्ड फेशियल किट की बात करूं तो ये 260 रुपीज में आप इस किट से 3 बार आराम से घर बैठे फेशियल कर लोगे. मतलब आपका वन टाइम फेशियल का जो कॉस्ट है वो जस्ट 80 रुपीज पड़ेगा. और वहीं अगर हम पार्लर जाके फेशियल कराते हैं तो वो हमारा जो कॉस्ट है वन सिटिंग का वो 800-900 रुपए पड़ता है और सम टाइम उससे ज्यादा पड़ता है. इन फेशियल किट्स की एक खास बात और है कि इसमें आपको एक D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क मिलेगा विच इज अ प्री फेशियल प्रेप. सो बेसिकली दीज आर दी 5 स्टेप फेशियल जिन्हें आप आराम से घर पे 30-40 मिनट देके घर पे ही कर लोगे एंड यू विल गेट पार्लर लाइक ग्लो एट होम ओनली. सो नाउ लेट मी डू माई फेशियल फर्स्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट तो आपको सामने ही दिख जाएगा. और जो भी स्टेप्स हैं वो मैं आपको आगे फेशियल करते टाइम बताती जाऊंगी. सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट डू माई फेशियल. सो दिस इज़ माई स्किन बिफोर फेशियल. सबसे पहले हमें D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क लगाना होगा. सो इट्स अ प्री फेशियल प्रेप जो कि आपकी स्किन को तैयार करेगा फेशियल के लिए. तो सिंपली मैंने अपने फेस को वेट करके क्लीन कर लिया था. उसके बाद ये D10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क लगाना है और इसको 15 मिनट के लिए अपने फेस पर लगे रहने देना है. बट मैंने 15 मिनट तक नहीं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको 6-7 मिनट तक ही अपने फेस पर रहने दिया. उसके बाद मैंने इसको क्लीन कर लिया. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट ड्राई. तो इसे पहले हम वेट कर लेते हैं अपने फेस को. और आपको इसको ना मसाज करते हुए क्लीन करना है, लाइक जैसे हम क्लेंजिंग कर रहे हैं. तो इससे आपके फेस की क्लेंजिंग भी हो जाएगी. तो अच्छे से आपको 2-3 मिनट की मसाज देना है, जस्ट इसको वाइप ऑफ कर लेना है, दैट्स इट. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएटिंग एंड इट्स अ क्लेंजिंग स्क्रब. सो यू जस्ट हैव टू स्प्रे सम वाटर ऑन योर फेस, देन जस्ट अप्लाई दिस स्क्रब और इसको अच्छे से लगा लेना है. एंड यू हैव टू मसाज इट फॉर 2-3 मिनट एट लीस्ट. एंड यू हैव टू मसाज इट इन सर्कुलर मोशन. सो जो सर्कुलर मोशन से हम मसाज करेंगे तो हमारे स्किन पे जितनी भी डेड स्किन होगी ना वो निकल जाएगी और हमारे नोज़ पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, चिन पे जो भी होता है वो सारा ये ना स्क्रब अच्छे से क्लीन कर देता है. और इसमें मुझे एक गोल्डन शीन जैसा कुछ लगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा गोल्डन दिख रहा था. ऑब्वियसली ये गोल्ड फेशियल है इसलिए. तो आई जस्ट क्लीन माई फेस विद वॉर्म वाटर. और यहाँ पे मैंने पूरे फेशियल में वॉर्म वाटर का ही यूज़ किया है. फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है एंड देन मैं अपने जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं मेरे नोज़ पे और चिन पे उन्हें निकाल लूँगी. और बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप की ओर जो कि है मसाज. सो इट्स अ कंडीशन मसाज क्रीम और हमें इससे अपने फेस की जो है मसाज करनी है. एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स तक अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है. तो इस क्रीम को आपको डॉटेड करके अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है. उसके बाद 10 मिनट्स दीजिए अपने फेस को, मसाज कीजिए. वो
बिकॉज इस क्रीम में ना एसेंशियल ऑयल है, तो ये आपकी स्किन को ना स्मूथ करता है. सो यू हैव टू मसाज फॉर 10 to 15 मिनट. और मसाज करने से क्या होता है कि जो हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, फेस मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पे ना एक अलग ही ग्लो आता है. तो मसाज तो हमें करनी ही चाहिए. वीक में भी आप अपने फेस को एक टाइम दो, आराम से अच्छी सी मसाज दो, तो वो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. सो यू जस्ट मसाज मसाज मसाज. सो आफ्टर मसाज माई फेस आई जस्ट वाइप ऑफ माई फेस विद वॉर्म वाटर अगेन. और बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप की ओर, विच इज़ अ हाइड्रेशन. सो इट्स अ हाइड्रेट ग्लोइंग गोल्ड जेल, एंड ये ना ट्रांसपेरेंट है और इसमें भी एक गोल्ड शीन है, बट इसको लगा के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो सिंपली इसको आपको लगा लेना है और 2 मिनट के लिए अपने फेस को अच्छे से मसाज करना है. यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड मसाज, और आपको काफ़ी बढ़िया फील होगा इसको लगा के. एंड ये ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इसको लगाने के बाद ना स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी. एंड दिस जेल स्पेशली फॉर हाइड्रेशन, तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा इसको लगाने के बाद. So after hydration we will move on to the fourth step, which is a glowing gold pack, and it's a firming pack that leaves your skin with a visible golden glow, they claim. और मैंने इसको लगाया अच्छे से, मैंने अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई किया और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए फेस पर छोड़ दिया. पूरी तरह से मैंने इसको ड्राई नहीं होने दिया, बिकॉज इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इसको पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है. तो 10 मिनट के बाद मैंने जस्ट वाटर स्प्रे किया और इस फेस पैक को वाइप ऑफ कर लिया. सो यू कैन सी वाइप ऑफ करने के बाद, मतलब मैंने वार्म टॉवल से इसको वाइप ऑफ कर लिया. सो आई जस्ट वाइप ऑफ दिस मास्क एंड आई कैन सी अ क्लियर स्किन और अ ग्लोई स्किन. मतलब इसने ना इंस्टेंट एक ग्लो भी दिया है और स्किन मुझे ना काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है, यू कैन सी. सो आई जस्ट क्विकली टेक अ शावर एंड आई विल बी राइट बैक टू यू गाइस. आई एम डन विद माय शावर एंड यू कैन सी आई जस्ट अप्लाई अ लिप बाम, और मैंने थोड़ा सा सीरम अप्लाई किया है बिकॉज जस्ट फॉर यू नो डेली स्किन केयर रूटीन. सो देख सकते हो आप मेरी क्लियर स्किन एंड आई कैन सी अ ग्लो. मतलब वो जो इसमें ना थोड़ी सी गोल्ड की जो शीन है ना, तो उसकी वजह से एक अच्छा सा ग्लो दिख रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब ये आपको इंस्टेंट ग्लो देता है और इसमें आपको टोटल 30 to 40, बिकॉज अजान लग रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया. तो मैं ये बोल रही थी कि आपको 30 टू 40 मिनट लगेगा अपना फेशियल करने में, और मुझे फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ये नेचर एसेंस की गोल्ड फेशियल किट से मैंने अपना फेशियल किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है. और फेशियल का जो ग्लो होता है ना, वो 1 से 2 दिन बाद ज़्यादा मतलब उभर के आता है. तो आप अगर वेट करो तो 1-2 दिन बाद आपको ना फेस अपना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और इसको करते टाइम मुझे किसी भी तरह की कोई इरिटेशन फील नहीं हुई है. और मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं हुई है. बट अगर आप फेशियल कर रहे हो और फेशियल के दौरान आपको कोई इरिटेशन होती है, तो वहाँ पे आप फेशियल रोक दो, या फिर फेशियल करने के बाद आपको इरिटेशन होती है, तो ऐसे में आप जस्ट एक आइस क्यूब लो कॉटन के टाल में किसी भी हैंकी में और जस्ट मसाज कर लो, दैट्स इट. तो वो जो अगर आपको कुछ रिएक्शन हो रहा होगा वो नहीं होगा. रियली इम्प्रेस्ड विद दिस गोल्ड फेशियल किट बाय नेचर सेंस. अभी मैंने यही किया है बिकॉज मैं एक साथ सारे फेशियल तो नहीं कर सकती, बट मैं बाद में ये ब्राइटनिंग डायमंड का भी ट्राई करूंगी. मतलब जितने भी फेशियल हैं ये मैं सारे ट्राई करूंगी, बट मुझे ये गोल्ड फेशियल अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. तो अगर आपको आपकी वेडिंग होने वाली है या फिर आपको वेडिंग में जाना है, पार्टीज़ में जाना है, तो आप ये फेशियल ले सकते हो. नेचर एसेंस की फेशियल किट से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और अच्छे हैं, यू कैन सी. मुझे अपनी स्किन कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई.
वाई क्या मैंने फेशियल किया है इसलिए। तो आप ये फेशियल किट्स ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको अगर बाय करनी है तो बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और आप इनके यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। So yes, that's all by my side. I hope you found this video helpful, and if you found this video helpful, then please consider giving us a like. It really means a lot to me. Now I'll see you in my next video. Till then, bye. Take care.